हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास एंड दिस इज आर डेली न्यूज़ एनालिसिस वी आर कवरिंग द न्यूज़ फ्रॉम द पर्स्पेटिव ऑफ प्रम्स एज वेल एज मीनस सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर टेक अवेज इन टूडेज न्यूज एनालिसिस हियर प्लीज़ लेट मी नो दैट एम ऑडिबल एवरी इज फाइन एंड मेक श्योर देट यू आर फॉलोइंग मे ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेज ऑल्सो के यहाँ पे आपकी जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एंड सून यू विल बी गेटिंग अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ द इशूज इम्पॉर्टेंट करंट इशूज विच आर वेरी रेलिवेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव इस साल के मेन्स के परस्पेक्टिव से पिछले एक से डेढ़ साल में uh, जो भी मेजर इशूज़ रहे हैं है ना जैसे आप देखोगे कंटेम्ट ऑफ कोर्ट का चर्चा रहा है ना प्रोटेस्ट को लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके काफ़ी सारे ये जो इश्यूज रहे हैं तो ईशू वाइज जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे एनालिसिस पार्ट उनका कवर करेंगे उन पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे सो so, वो एक सीरीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग दिस सीरीज ऑल्सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑन दिस लिंक टू गेट ये आपका है टेलीग्राम चैनल uh, आज की मोटिवेशन की हम यहाँ पे चर्चा करें This is about uh, the strength and the importance of the struggle. Also, am I audible, guys? Please let me know. Okay, okay, fine. Hello, Suman. Hello, Neetu. हेलो सेजर हेलो रचिता वेलकम टू द क्लास तो काफ़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइंस हैं नेपोलियन हिल की स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल ओके दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट दिस इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल ठीक है अगर आप किसी चीज़ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं हुआ आपने उसको छोड़ दिया है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू राइट गुड एस से गुड आंसर्स ओके कीप वर्किंग ऑन दैट हैव पेशेंस कीप वर्किंग ऑन दैट मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्ट विद योर एफर्ट ठीक है राइट काइंड ऑफ माइंड सेट एंड गल सो यूफिनेटली बी गेटिंग द रिजल्ट आगे चलते हैं अनकेडमी की तरफ से ये फ्री आपको आ, हर संडे आपका कॉम्बैट होता है तो इस संडे भी सुबह ग्यारह बजे आपका रहेगा आप, संडे को ग्यारह बजे है जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे भी मैं शेयर आपको कर दूँगा तो जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं मेक श्योर sure आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करें सिक्सटी मिनट फिफ्टी फोर क्वेश्चन हैं है, काफ़ी सारे आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी यहाँ पे मौका मिलता है सो दिस इज द थिंग ही चलिए स्टार्ट करते हैं और अनकेडमी uh, के साथ जैसा आप जानते हैं आप जुड़ सकते हैं क्योंकि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं रही है आप घर बैठे uh, जो uh, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है और बहुत ही रीजनेबल फीस के साथ में यू डोंट नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज अगेन सब्सक्रिप्शन लिंक विल बी देयर ऑन द टेलीग्राम यू कैन गो विद दिस कोड आर बी लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट फाइन एंड पर्सनलाइज गाइडेंस पेपर टू से स्टार्ट करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है है ना काफ़ी रिलेवेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जनरली क्वेश्चन रहते हैं पेपर टू पे अगर आप आ, चर्चा करें तो इलेक्शन जो है अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसकी डेट और रिजल्ट कब आएगा ये भी अनाउंस किया जा चुका है क्योंकि जो प्रजेंट जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी इनका जो टर्म है ये एंड हो रहा है चौबीस जुलाई को ट्वेंटी फोर जुलाई दो हजार बाईस को इनका टर्म पूरा हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल सिक्सटी टू के अंदर आर्टिकल सिक्सटी टू में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल सिक्सटी टू में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म एंड होता है उससे पहले ही हम जो है ये इलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लें इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ठीक है ये आर्टिकल सिक्सटी टू कह रहा है तो ये आप चौबीस जुलाई को आपका पूरा हो रहा है तो उससे पहले ही ये कराएंगे अट्ठारह जुलाई को इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को और लगभग इक्कीस जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा ठीक है ना तो अब क्वेश्चन जो हमारे लिए बन रहा है अच्छा कैसे इलेक्शन होते हैं मैंने आपको राज्यसभा के पोल्स के रिगार्डिंग भी बताई थी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अगेन दिस प्रेसिडेंट थिंक इलेक्शन से रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाते रहे देखिए यहाँ पे होता क्या है पहले तो इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होगा मतलब कौन कौन लोग यहाँ पे वोट दे सकते हैं कौन यहां पे जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे चुनाव करेंगे उसका अधिकार किसको है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पार्लियामेंट है मतलब बाई कैमरल है राज्यसभा है लोकसभा है वहां पे जो एम पीज है वो करेंगे और इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जैसे स्टेट के अंदर तो हैं ही विधानसभा कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली और पुदुचेरी वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा है वहां पे जो एमएलए हैं वो चुनाव कर रहे हैं अब चाहे एम हो या एम हो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होंगे इलेक्टेड होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे क्या नहीं कर सकते वोट नहीं कर सकते हैं इसको ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ इधर राज्यसभा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट इलेजिबल नॉट इलिजिबल है ना वोट करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है हालांकि वो रिमूवल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे चलेगा उसके अंदर वो करते हैं पार्टिसिपेशन लेकिन यहाँ पे वोट के लिए एलिजिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं ठीक है ना विधान परिषद वगैरह हैं तो वो तो वैसे भी नहीं होंगे वो कोई एलिजिबल यहाँ पे नहीं है ठीक है तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा रहा है बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ये ध्यान रखिएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा और फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ हैं तो ये तो हो गया कौन कौन लोग वोट डाल रहे हैं द इलेक्टर कैन मेक एज मैनी प्रफ्रेंसेज एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए इसमें होगा क्या आप यहाँ पे दे रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज देयर ठीक है और आर्टिकल फिफ्टी फाइव अब सारे आर्टिकल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अगर नहीं याद होता है इट इज टोटली फाइन बट स्टिल यू शुड बी हैविंग दैट इन माइंड की हाँ लगभग पचास के आसपास क्योंकि सारे आर्टिकल आप याद नहीं कर सकते कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान रखना होगा Uh, अब आर्टिकल 55 क्या कह रहा है द इलेक्शन इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा है ना उसको वैल्यू असाइन की जा रही है जैसे एम जो है एक एम का अलग होगा एम का अलग है तो इस तरीके से ये कैसे डिसाइड हो रहा है इसको एक बार देखते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जितना वोट है उस हिसाब से आ, आ, सीटों या उसका बंटवारा होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है क्योंकि एक हमारे आ, पास पोस्ट सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है एक पार्टी जिसने चालीस प्रतिशत वोट लिया है ठीक है जिसके पास में टोटल जो वोट पोल हुए हैं उसके चालीस प्रतिशत है लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप सीट देखोगे तो उसके पास लगभग पचास प्रतिशत साठ प्रतिशत तक सीटें होती हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा यहाँ पे नहीं है तो ये रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है मतलब एक जो व्यक्ति यहाँ पे वोट डाल रहा है मान लीजिए पांच कैंडिडेट खड़े होते हैं इसके लिए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कि हम भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वोटिंग होगी उसमें वैलिड वोट कब माना जाएगा कि जो भी यहाँ पे वोट कर रहा है एम या एमएलए जो भी वोट कर रहा है वो यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे फर्स्ट प्रेफरेंस कंपल्सरी है बाकी सारे जो प्रेफरेंसेज हैं वो ऑप्शनल है अगर आप देते हो तो ठीक है नहीं दे रहे हो तो भी आपका वोट वैलिड माना जाएगा इस पॉइंट को याद रखना थोड़ा प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है बाकी प्रेफरेंसेज ऑप्शनल है अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिए तो आपका वोट वैलिड नहीं होगा फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी तो और अगर नहीं दिए तो भी आपका वोट वैलिड हो जाएगा अब इसमें होता क्या है देखिए वोट कैसे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं आप देखोगे अलग अलग राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है आई होप दिस इज विजिबल अलग अलग स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है वहां पे मेंबर लिखा हुआ है ना कितने मेंबर की वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे आप राजस्थान देख रहे हो 200 है अब यहाँ पे वैल्यू असाइन की हुई है है ना वैल्यू असाइन की हुई तो ये हर जगह पे वैल्यू अलग क्यों है मतलब एक एम के वोट की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने असाइन की है तो यहाँ पे 200 सौ हैं तो उनके वैल्यू टोटल नंबर इतना आ जाएगा तो हर स्टेट का जो है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन अलग, अलग अलग आ रहा है क्लियर तो इसका रीजन क्या है इसको थोड़ा समझते हैं देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे निकाली जा रही है द वोट्स आर वेटेड फॉर ईच एमएल हर एमएलए के लिए वोट कैसे निकालेंगे उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ जो एम एल ए वहां पर है ठीक है क्या कर रहे हैं हम डिटर्माइन बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एम अब इसको फर्दर हम 1000 से यहां पे डिवाइड कर रहे हैं ठीक है ना फर्दर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से हर राज्य की हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग होगी वहां पर जो नंबर ऑफ एम हैं वो भी अलग होंगे इसलिए क्या होगा वहां पर आपको जो वोट uh, यहाँ पे वे, वेट किए जा रहे हैं ठीक है ना जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी हर एम की वो अलग आएगी तो अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है जैसे आंध्र प्रदेश में वन है एक एम के वोट का वैल्यू राजस्थान में वन है उड़ीसा में वन है हर जगह पे एम के वोट की वैल्यू अलग आ रही एम पीज की तो इक्वल होगी उस उसपे हम चर्चा करेंगे एम की कैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या किया एक एमएलए के वोट की वैल्यू इस इस फॉर्मूला से यहाँ पे निकाली जितने नंबर ऑफ एम हैं उसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेट का आपको पता चल जाएगा कितने वोट आ रहे हैं ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहां पे स्टेट्स के कितने आ रहे हैं वी हैव दिस 5.43 पॉइंट फोर थ्री लैख द वैल्यू ऑफ वोट इन द असेंबली जितने भी असेंबली के थ्रू वोट आ रहे हैं मतलब जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहां पे वोट करेंगी जितने भी एम एल ए वोट करेंगे उनका वोट कितना आ रहा है फाइव पॉइंट फोर थ्री लैख अब यहां पे हमारे पास में एम पीस कितने हैं राज्यसभा और लोकसभा में मिला के नंबर ऑफ एम पीज हम यहां पे देख रहे हैं वी हैव दिस सेवन सेवेंटी सिक्स ठीक है ना सेवन सेवनटी सिक्स एम पीज हैं तो ये कह रहे हैं जितना भी हमारे पास असेंबली का वोट आ रहा है उसको आप डायरेक्ट क्या फाइव सेवन सेवनटी uh, सिक्स से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आप सेवन सेवनटी सिक्स से डिवाइड करोगे तो एक एम पी का क्या निकल के आएगा वैल्यू निकल के आएगा तो एक एम पी का यहाँ लगभग सात सौ वैल्यू आ रहा है तो इस तरह से नंबर ऑफ एम पीज हैं सेवन सेवनटी सिक्स और सेवन हंड्रेड एक का वैल्यू आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर नंबर ऑफ वोट एड हो जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आपके पास साढ़े पाँच लाख के आसपास वोट हैं और फिर इसी तरह से एम के वोट को काउंट करोगे तो टोटल तो तो नंबर ऑफ जो आ, इलेक्ट आ, ये है टोटल तो तो वैल्यू ऑफ इलेक्टोरल पूल मतलब कितना यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है लगभग दस पॉइंट आठ छह लाख अब ये नहीं पूछा जाएगा कितने लाख है कितना नहीं है बट यू शुड बी हैविंग दिस कैलकुलेशन इन द माइंड या ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं कैसे हर स्टेट का अलग क्यों आ रहा है फिर जितना स्टेट का पूल है उसको हमने एम से डिवाइड करके ये निकाला है इस तरीके से आपका हो रहा है ठीक है और यहाँ पे जो भी फिफ्टी परसेंट प्लस वन पे आएगा वो यहाँ पे जीत जाएगा है ना तो इस तरीके से ये चलेगा आई होप दिस इज क्लियर तो ये आपको ध्यान रखना है वापस से यही चर्चा में रहेगा जब वापस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा रिजल्ट आएंगे तो इस पर न्यूज रहेगी तो अभी आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया वहां पर अगर कुछ एडिशन होगा तो हम कर लेंगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं देखिए कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग आपका जीएस पेपर टू है जीएस पेपर टू है उसके अंदर जी एस पेपर टू के सिलेबस uh, के अंदर ही आपके जैसे एजुकेशन हेल्थ ये सारे पार्ट मैंशन है तो एजुकेशन के परस्पेक्टिव से कल हमने रैंकिंग डिस्कस की थी क्यू एस वाली है ना uh, जो क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको डिस्कस किया था तो ये आधे आर्टिकल में तो वही सब चर्चाएं इन्होंने कर रखी हैं बस तीन चार पॉइंट हमें इस आर्टिकल से ले लेने थे इसीलिए हमने इस आर्टिकल को ऐड किया है बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा क्या ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हाँ इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है ये सब चीज़ें वो सही है क्लियर और सिक्स इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी कल हमने चर्चा कर ली थी जिन बच्चों ने कल का सेशन नहीं देखा है आ, ये आपका टेलीग्राम पे लिंक है है ना सेशन के लिंक फ्री क्लासेस के लिंक सब्सक्रिप्शन के लिंक गाइडेंस के रिगार्डिंग वो सब आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम यू राहुल भारद्वाज के नाम से आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा तो ये सब चर्चा हमने कर ली थी अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया ने क्यों इम्प्रूव किया वो गवर्नमेंट का कमिटमेंट रहा वो सब चीज़ें अपनी जगह और फिर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मेंशन की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जो 2020 में आई थी इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है वैसे ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में तो क्वेश्चन पूछ लिया 2020 में आई थी 2020 में हमने डिस्कस किया था और उसके मेंस के पेपर में इसको पूछा था चलिए द थिंक इज दैट नेशनल एजुकेशन ये जो पॉलिसी है नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आती है और ये जो ब्रेन ड्रेन है है ना उसको रोक रही है इंडिया का टैलेंट इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए है ना और बच्चों को एक क्रिएटिव मैनर के अंदर पढ़ाया जा सके उनकी क्रिएटिविटी इनोवेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है उन सब ऑब्जेक्टिव के साथ ये यह यहाँ पे है तो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए लगभग चौंतीस साल बाद ये पॉलिसी यहाँ पर आती है जिसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी और इंडिया ने यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट ग्लोबल स्टैंडिंग अपनी दिखाई है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास इम्प्रूवमेंट हो रहा है चाहे हम स्टूडेंट फैकल्टी स्टूडेंट रेशो देखें ये सब चीज़ें कह रहे हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है लेकिन चैलेंजेस क्या है, है उसके लिए हमने इस आर्टिकल को उठाया है और ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या चैलेंज है स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जी उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है द इशू ऑफ मोबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ये सेकेंड कॉम्पोनेंट है क्योंकि हमने देखा था कि जो रैंकिंग डिसाइड हो रही है उसमें इंटरनेशनलाइजेशन एक मेजर फैक्टर था है ना चाहे वो स्टूडेंट का हो फैकल्टी का हो दोनों को वेटेज दिया हुआ था तो अगर आपको रैंकिंग इम्प्रूव करनी है यहाँ पे इंडिया को इम्प्रूव करना है थर्ड पॉइंट है इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च हैज बीन लो फॉर द डिक्वेट्स ये तीसरा पॉइंट है कल हमने जो एक आर्टिकल डिस्कस किया था इसी को लेकर है ना जो इनके स्पोक्स पर्सन है वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ से उन्होंने कहा था कि इंडिया को सर्च में और काम करना है, है ना तो वो स्पेंडिंग आप करोगे तभी वहाँ पे हम आगे बढ़ पाएंगे लास्टली इंडिया डजेंट लास्ट माइल लास्ट माइल पे एजुकेशन पेनिट्रेशन भी हमें बढ़ाना होगा टर्सरी एजुकेशन हायर एजुकेशन का क्लियर तो ये पॉइंट है इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट आप एड करेंगे जो हमें उस आर्टिकल से मिलता है कल वाले से उसमें क्या लिखा गया था कि इंडिया के अंदर जो आपको इंप्रूवमेंट करना है ये जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशो है ये इंप्रूव तो हुआ है बट स्टिल वी नीड टू है ना इम्प्रूव स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस स्टूडेंट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो वी नीड टू वर्क ऑन दिस अकॉर्डिंग टू दिस यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो ये पॉइंट है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अच्छा इंडिया में हायर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है तब वहाँ काम आएगा इंटरव्यू में पूछ लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्यों नहीं आ रही है ये सब चीज एक क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो आपका रह रहा है ना उसे भी हम कल ऐड कर लेंगे सी को लेके इस पे थोड़ा सा इश्यू चला है इंडिया की जो रैंकिंग है उसको लेके बाकी हमेशा से इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है तो दिस इज द थिंग नेक्स्ट आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे और यहाँ पे एक टर्म चर्चा में आ रही है ये जो डॉयचे बैंक है जर्मनी का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है डॉयचे बैंक बहुत पॉपुलर है नाम आपने सुना होगा तो इसके ऊपर इसको रेड किया गया है लगभग वन ट्रिलियन डॉलर की ग्रीन वॉशिंग स्कैंडल के अंदर अब ग्रीन वॉशिंग सुन के बच्चों के कान खड़े हो गए होंगे क्योंकि इस पर यूपीएससी ने इसी साल क्वेश्चन पूछा है क्लियर तो पहले तो ग्रीन वॉशिंग समझ लेते हैं क्या होता है देखिए डॉइचर बैंक रेडेड बाई अथॉरिटीज ओवर ई एस जी ग्रीन वॉशिंग क्लेम्स इसमें दो तीन चीजें हैं जो हम सीखेंगे एक तो ये ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है फिर ये ई क्या होता है ई क्लेम क्या होता है सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग क्या होती है फाइन ये जो चीजें हैं इसलिए ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आ देखिए ग्रीन वाशिंग का मतलब है कोई कंपनी कहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं है ना हम इसको रिसाइकिल कर रहे हैं ऐसा कोई क्लेम बड़ा चढ़ा के कि हमारा जो है नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट है हम जो प्रोडक्ट बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उन प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके ऐसा वैसा करके उससे भी कम मतलब उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इस तरह के जो क्लेम होते हैं कंपनी के द्वारा जहाँ पे वो वाकई में इतना नहीं कर रही है या कुछ नहीं कर रही है तो ये फाल्स क्लेम है ठीक है फाल्स क्लेम है जहां पे कंपनी कह रही है कि मान लीजिए हम इतना जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी ऑयल रिलेटेड कंपनी है ना ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा वो कहती है कि आ, हम जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग मोर सी वो कंपेरेटिवली ज्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स में ये वर्ड यूज किया जाता है ग्रीन वॉशिंग जो कि क्या है कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर एनवायरमेंटली साउंड कि उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे एनवायरमेंटली साउंड हैं क्लियर इसके बारे में वो जो फॉल्स क्लेम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग तो यहां पे होता क्या है देखिए अब सस्टेनेबल uh, इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक uh, नया वो चला है अब ये जो डॉयचे बैंक है इसके अंदर क्या हो रहा है इन्होंने क्या किया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बेचा कि ये जो है कौन से प्रोडक्ट हैं ई एस जी कंप्लाइंट प्रोडक्ट हैं मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को बेचा गया लेकिन वाकई में यहाँ पे जर्मन अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं जर्मन अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में आपने क्या नहीं किया इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वहां पे ये ई जो क्राइटेरिया है इसको आपने ध्यान ही नहीं रखा है मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट में आ, तो ये ई क्राइटेरिया फैक्टर क्या है फिर हम वापस से इस न्यूज पे एक बार आते हैं देखिए ई क्राइटेरिया क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस बढ़ रहा है ठीक है आप सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या डेवलपमेंट है उसका एन्वायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट होता है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन हो जो कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग वो क्रिएट करती है आप सभी महसूस कर रहे होंगे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग जो है ये काफी पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ और अगर आप देखोगे एटीज के बाद से इसने थोड़ा गेन यहाँ पे करना स्टार्ट किया है सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी इसको कहा जाता है और ई इन्वेस्टिंग भी कहते हैं इसमें होता क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं है ना या कोई प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है है ना जैसे किसी कंपनी को आप लोन दे रहे हो तो वहां पे अगर आपको देखना है कि ये लोन ये पैसा उसी कंपनी के पास जाना चाहिए जो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग कर रही है या ई एस जी क्राइटेरिया कंप्लायंट है ई एस जी क्राइटेरिया मतलब ई फॉर एनवायरमेंट एस फॉर सोशल जी फॉर गवर्नेंस एनवायरमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि उस कंपनी की जो भी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरमेंट पे कम से कम प्रभाव डालें है ना एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए ये फर्स्ट क्राइटेरिया सेकेंड यहां पे है सोशल सोशल का क्या मतलब है वो जो कंपनी है क्या वो अपने प्रॉफिट अपने स्टेक होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है है ना सोसाइटी एट लार्ज आप देखोगे उसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ये सब चीजें आपको देखनी है सोशल इंपैक्ट के अंदर क्लियर फिर हमारे पास है गवर्नेंस रिलेटेड क्राइटेरिया तो उसके अंदर आप देखेंगे सोशल के रिगार्डिंग ह्यूमन राइट एक्सेट्रा ये भी आ जाएंगे आपके है ना गवर्नेंस वाले क्राइटेरिया में क्या होगा गवर्नेंस वाले क्राइटेरिया में आप देखेंगे द थिंक इज दैट मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो एक तरह से कुछ भी गेन करने के लिए है ना कंपटीशन में एट्सेट्रा वो पॉलिटिकल एडवांटेज वहाँ पे पॉलिटिकल या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है विद द हेल्प ऑफ मनी और अदरवाइज़ है ना तो वो करप्शन और इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले ये सब चीज़ें तो ये जो करप्शन वगैरह की चीज़ें हैं ये वहाँ पर ना हो क्या कंपनी इस तरह की अन प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं है तो ये सारा क्राइटेरिया किसमें आता है ई एस जी क्राइटेरिया इसे कहते हैं जो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग का ही एक पार्ट है ई एस जी क्राइटेरिया में अब क्या होगा ऐसे भी पूछ सकता है क्या केवल एनवायरमेंट का ही ध्यान दिया जाएगा या फिर ह्यूमन राइट इथिकल चीजें है ना वर्क कल्चर ये सब भी आएगा तो इसमें सारी चीजें आ रही है सोशल और गवर्नेंस भी इंक्लूड है इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में अगर कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है ये सब चीजें वो तो है ही अगर उसके इन्वेस्टमेंट से यहां पे हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट इनिशिएटिव को सपोर्ट मिल रहा है इथिकल कॉरपोरेट कल्चर क्रिएट हो रहा है तो भी हम उसको ईएसजी क्राइटेरिया या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में मानेंगे अब होता क्या है काफी सारे जो म्यूचुअल फंड हैं फर्म्स हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं है ना मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है आप नहीं चाहते ज़्यादा रिस्क लेना कि कोई कंपनी जो है अनिथिकल प्रैक्टिस कर रही है कल को उस कंपनी पे कोई कार्यवाही हो एक्शन हो या एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है उसके लिए फाइन लग जाए ठीक है और आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है आपको नुकसान हो जाए तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड या जो दूसरी फर्म्स होती हैं तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किस हिसाब से कि वो जो प्रोडक्ट हमें ऑफर किया गया है उसमें किस तरह के रिस्क नहीं है इस तरीके के रिस्क नहीं है जहाँ पे वो अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर रिस्की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि आपका हाँ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से ई एक्टिविटी में और इसी वजह से क्या हो रहा है अब ये जो बैंक है इस इसपे हम आते हैं क्यों इस पे एक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो प्रोडक्ट्स भेजे हैं उसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्होंने अकाउंट ही नहीं किया नॉट टेकन इन टू अकाउंट एट ऑल अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट किस चीज को ई एस जी फैक्टर्स को इन्होंने अकाउंट ही नहीं किया तो इसलिए आप ये न्यूज़ देखोगे कि यहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ ने ये डॉइचे बैंक का हेडक्वार्टर रेड किया है अथॉरिटीज़ कह रही हैं हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है ऑलरेडी यूएसए की तरफ से भी इस पर चल रहा है और डॉइचे बैंक कुल मिला परेशानी में तो न्यूज में हमारे लिए ग्रीन वॉशिंग इंपॉर्टेंट है इसके अलावा सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्या क्या कंपोनेंट है ई फैक्टर क्या होते हैं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है इथिक्स एनवायरनमेंट और इकोनॉमी तीनों के परस्पेक्टिव से इसमें इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें आ जाएंगी सो दिस इज द थिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं देखिए कल साइंस एंड टेक पे हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी जो कैंसर का क्योर मिला है बहुत बड़ी बात है और अब आप तो आपने सब न्यूज़पेपर्स में भी देख लिया होगा कल हमने न्यूज़ को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कैसे इम्यूनोथेरेपी है उसका रोल देखा जा रहा है तो वो एक बार देख लेना नाउ वी हैव दिस न्यूज़ फास्ट रेडियो बस्ट ये देखे गए हैं और ये आ, नेचर जो मैगजीन है उसमें पेपर पब्लिश हुआ है नेचर बहुत ही रेप्यूटेटेड मैगजीन है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं एग्जाम के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं क्या ये कह रहे हैं एफ आर बी जो है ये देखी जा रही है वैसे एफ आर भी काफ़ी चर्चा में रही है आई थिंक लास्ट ईयर भी नासा की तरफ से एक बड़ा सा आर्टिकल वो था जिसमें हमने कवर किया था एफ आर बी होती क्या है फास्ट रेडियो बस्ट और ये वाला जो एफ आर बी ये देख रहे हैं कह रहे हैं अपने आप में बहुत यूनिक है केवल हमने एक ही बार देखा है पहले एफ आर बी समझते हैं फिर इस न्यूज पे आएंगे फास्ट रेडियो बस्ट दो हजार सात में डिस्कवर की गई थी और ये क्या होते हैं दीज आर द ब्राइट बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स है ना रेडियो वेव्स के ब्राइट बस्ट होते हैं जिसके अंदर एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए मिली सेकेंड के लिए इस तरह से होते हैं क्लियर आ, रेडियो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां से रेडियो वेव्स आती हैं तो ये जो एफ आर बीज है इनका ड्यूरेशन होता है मिली सेकेंड स्केल पे और इसीलिए इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है तभी आप देखोगे 2007 में इसको डिस्कवर किया गया था डिटरमाइन देयर पोजिशन इन द स्काई द सोर्स ऑफ एफ आर बी डिटेक्टेड ये तो अप्रैल 2021 की यहाँ पे चर्चा हो रही है जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया था लेकिन अभी वाला जो एफ है एफ आप समझ गए ये क्या है रेडियो वेव्स आ रही हैं इनका ब्राइट बस्ट है रेडियो वेव्स का बहुत कम समय के लिए लेकिन ये वाली जो रेडियो वेव है ये कैसे अलग है अभी तक डिटेक्ट की गई सभी एफ से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है एफ आर बी इट एमिट फ्रिक्वेंट रिपीटिंग बर्स्ट ऑफ द रेडियो जनरली क्या होता है एक रेडियो वेव इसने एमिट किया फिर हट गया लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंट और रिपीटिंग बर्स्ट यहां पे आ रहे हैं हालांकि कम फ्रिक्वेंसी है लेकिन ये रिपीटिंग बर्स्ट यहां पे आ रहे हैं इसलिए ये कह रहे हैं कि uh, हमें यहाँ पे इसका पूरा मिस्ट्री ही बन गया हमें समझ ही नहीं आ रहा पहले यह था कि हाँ एक बार आएगा फिर नहीं आएगा अभी रिपीटेटिव आ रहे हैं तो कुल मिला के आपको एफ आर बी क्या होता है ये ध्यान रखना है फास्ट रेडियो बस इसके सोर्सेज क्या हैं मतलब इसमें रेडियो वेव्स आ रही हैं और इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं जैसे लास्ट ईयर इसको डिटेक्ट किया था तब यहाँ पे पाया गया था कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं उसके अंदर पहली बार इसको डिटेक्ट किया था नासा ने और आ, ये देखा गया था कि इसका जो सोर्स है दिस इज अ वेरी पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार रेफर टू एज मैग्नीटार है ना बहुत ही पावरफुल एक न्यूट्रॉन स्टार था मैग्नीटार वहाँ से ये हमारे पास रेडियो वेव्स आ रही थी एफ आर बी के रूप में तो दिस इज द थिंग एफ आर बी वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मैग्नीटार मोस्ट प्रोलिफिक फ्लेयर अप ठीक है स्टार्स की भी अलग अलग आ, ये रहती हैं अगर बहुत छोटा स्टार है वो डाई कर जाता है उसका जो फ्यूल है वो अब एकदम डिप्लीट हो गया है तो फिर वो पूरा डेड हो के क्या बनेगा वाइट ड्वार्फ बनता है ये ये वर्ड्स याद रखिएगा वाइट ड्वार्फ बनता है और अगर बहुत बड़ा स्टार है वो उसकी डेथ होती है ठीक है ना डेथ होने का मतलब है उसका जो फ्यूल है अंदर जो भी हाइड्रोजन हीलियम वगैरह सब कुछ डिप्लीट हो गया है और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन आप कहते हैं और उस एक्सप्लोजन के बाद जो बनता है तो ये छोटे स्टार में वाइट डॉर्फ बन रहा है बड़े स्टार के अंदर आपका न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है है ना न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है और अगर बहुत ही बड़ी साइज का स्टार है बहुत बहुत बड़ी साइज़ का मतलब हमारे सन के कम्पेरिजन में तो मल्टीपल टाइम्स है ना थाउजेंड टाइम मान लीजिए बहुत बड़ा स्टार है उसके कॉलअ से हमें क्या मिलते हैं ब्लैक होल्स मिलते हैं तो ये वर्ड आपने सुन रखे होंगे ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार व्हाइट डॉर्फ इनको याद रखिए एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज पे आते हैं और आज दो एनिमल्स हमारे न्यूज में रहेंगे उससे पहले एक ये टर्म है वेलेडो जावेरी ओके वेलेडो जावेरी तो ये न्यूज हम केवल प्रॉब्लम्स के परस्पेक्टिव से ही ले रहे हैं और वेलेडे जावेदी पूछा जा सकता है अच्छा ये क्या है है ना किस तरह से कौन सी जगह पे स्थित है रीज़न एक मैप बेस्ड के हिसाब से आपने देखा होगा इस साल या हर साल रहती हैं इस तरह की लोकेशन तो वेलेडे जावेरी ये अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसका एक रिमोट रीज़न है जहां है ना मतलब जहाँ वह, पे इंडिजीनियस कम्यूनिटीज़ हैं मतलब वहाँ वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं वो रह रहे हैं और वहाँ पर उनका बाहर की दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है वन ऑफ़ द मोस्ट रिमोट रीजन ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट अब ये जो अमेजौन रे, रेन फॉरेस्ट है जिसे हम हमारी अर्थ के लंग्स का नाम भी देते हैं ना क्योंकि इतनी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए और इससे याद आया एक क्वेश्चन था आपका वेटलैंड के रिगार्डिंग कि वो किडनी का काम करती है ना तो किडनी का काम कर रही है इसका क्या मतलब है किडनी का काम करने का मतलब है हमारी किडनी क्या कर रही है कोई भी एक्सेस में चीज़ है उसको बाहर निकाल रही है ठीक है जो रिक्वायर्ड चीज़ है उनको बचा के रख रही है क्लियर तो इसी तरह से जो वेटलैंड होती है वो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह के रिगार्डिंग हमें हेल्प करती है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और ऑल एब्जॉर्ब करती हैं क्लीन करती हैं ना जैसे किडनी क्लीनिंग का, का काम कर रही है समथिंग लाइक दिस चलिए इस पर आते हैं ये आप कहाँ कहाँ पे ये सिचुएटेड है एक तो इसकी लोकेशन देख लो कौन कौन से कंट्रीज में आ रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम एरिया आपके ब्राजील के अंदर है फिर इसका बोलीविया है पेरू है है ना इक्वाडोर इज देयर कोलंबिया कंट्रीज वेयर दिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट लाइज अब ये जो वेलेडी जवेरी है ये जवेरी एक रिवर है प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है ठीक है ना तो ये एक रिवर का नाम है जिसपे ये पड़ा है और ये आपका लोकेशन है देखिए ये तो पूरा लोकेशन आपको दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर में अमेजोन रेन फॉरेस्ट का और ये जो लोकेशन है रेड कलर के अंदर ये है वेलेदो जावेरी दिस इज द लोकेशन ऑफ वेलेदो जावेरी और ब्राज़ील के अंदर ही सिचुएटेड आपको है है ना ब्राज़ील के अंदर ही आपका सिचुएटेड है दिस इज द थिंग और यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है क्योंकि दो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जो कि मिसिंग हो गए हैं ना इस रीजन में जाके इतने इंटीरियर में जाके मिसिंग हो गए हैं और अगर आप देखोगे ये रिवर है जवेरी दिस इज द रिवर हियर और बहुत ही रिमोट uh, पार्ट ये माना जाता है क्लियर तो आपने कई मूवीज़ देखी होंगी है ना स्पेशली यू हैव दैट खजाना ढूंढना एंड ऑल फाइन तो उसके अंदर आपने जिक्र सुना होगा या देखा होगा इस तरह से तो उसी तरह का बहुत रिमोट पार्ट है और ये जर्नलिस्ट बिल्कुल मिसिंग हो गए हैं इस वजह से ये वैल्द जवेरी न्यूज़ में तो बस ये ध्यान रखिए एक फैक्ट हो जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आते हैं राइनो इंट्रोडक्शन का फ़ायदा हुआ है आसाम के अंदर अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे इसको ध्यान से पढ़ना न्यूज़ को और आपको यहाँ पे सीखना भी है कि न्यूज़ को कैसे पढ़ना है ना, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाना है अब ये जो पूरी न्यूज़ हमने डिस्कस की इसमें नोट्स क्या बनाओगे वेले दमेजो रिमोट पार्ट ठीक है आ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आ, की सीमा है ये आपने एक आ, दूसरी लाइन में ये लिख लिया बस काफी है ठीक है? है दिस इज मोर देन सफिशियंट ये तो आपको पूछेगा नहीं कि वहां पे कितने ब्रिटिश बिट, जर्नलिस्ट आ, मिस हुए थे या अमेरिका के जर्नलिस्ट ये ये सब चीजें नहीं पूछे बस ये दो पॉइंट आपने यहाँ पे किया दर्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा लेक्चर आपका एक से डेढ़ पेज में या कभी कभी ज्यादा आर्टिकल है तो मैक्सिमम दो पेज में आपका समाप्त हो जाना चाहिए अब यहाँ पे एक बार वापस बता दूंगा क्या नोट करना राइनो री इंट्रोडक्शन हिट आ, इन द आसाम रिजर्व ये क्या कह रहे हैं कि राइनो का जो री इंट्रोडक्शन किया गया था वो मतलब सक्सेसफुल रहा है और यहाँ पे ये यह चर्चा कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क की तो मानस नेशनल पार्क ध्यान रखिए एक तो कहाँ पे सिचुएटेड है आसाम के अंदर है और अब यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि मानस जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एक तरह का टाइगर रिजर्व भी है एक समय पे मानस के अंदर लगभग सौ राइनोज हुआ कर रहे थे करते थे हंड्रेड राइनोज हुआ करते थे मानस नेशनल पार्क में और फिर देखोगे आप कम हो गए बहुत और अभी ये हमारे पास जो डेटा इन्होंने दिया है विकिपीडिया पर आई थिंक दो का ये डेटा इन्होंने मैंशन कर रखा है तो आप देखोगे नाइनटीन आ गया मानस नेशनल पार्क में और अब ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे रीलोकेशन किया काजिरंगा से यहाँ पे लाए और इनका जो टोटल नंबर है बढ़ के अभी फोर्टी हो गया है यह ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ना एक राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रोग्राम चलाया गया दो हजार छः में और हमने क्या किया, किया काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि अगेन कहाँ पर है आसाम में ही सिचुएटेड है आप सभी को पता होगा वहाँ से और पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से हमने क्या किया इनको रीलोकेट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे अभी जो है इनका नंबर बढ़ गया है ये आपका है क्या क्या पूछा जाएगा अच्छा इंडियन राइनो होता है ये वन हॉर्न होता है या टू हॉर्न होता है इसका आई स्टेटस कहाँ है क्या इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है क्या ये वेस्टर्न घाट में नीचे तमिलनाडु में भी मिलता है या फिर यूपी में भी मिलता है या केवल असम में ही मिलेगा ठीक है ये आपको पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करते हैं प्लीज है लुक किया और वही पॉइंट्स आपको नोट करने हैं इंडियन राइनो हेडिंग डालनी है ठीक है अब वन हॉर्न होता है ये आपको देखना है एज यू कैन सी दिस इज अ वन हॉर्न राइनो इंडियन राइनो वन हॉर्न ही होगा वन हॉर्न राइनो होता है वल्नरेबल है आई की रेड लिस्ट के अंदर ये ध्यान रख लीजिए अब इसका हैबिटेट ध्यान रखना है ये नहीं देखना वल्नरेबल क्यों है क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है इसका राइनोस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट तलाई तराई दुआर सवाना एंड ग्रासलैंड ये जो पूरा तराई पार्ट है तो एलुवियल पार्ट आपका गेंजेटिक प्लेन्स और ये पूरा स्टार्ट हो जाता है तराई रीजन तो नेपाल से जो बॉर्डर लग रहा है उसके आसपास का पूरा रीजन यहां पे आएगा तो आप देखोगे राइनोस जो मिल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में जैसे दुधवा है है ना वहां पे मिल रहा है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ये देखिए कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भी मिल रहा है दुधवा नेशनल पार्क में भी मिल रहा है तो इन रीजन में तो मिल ही रहा है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में सिचुएटेड है बॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन वी हैव दिस आसाम पारा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है और गोरुमारा भी वेस्ट बंगाल में होगा ये गोरुमारा को एक बार कन्फर्म करना कहाँ पे है मुझे जो याद आ रहा है वेस्ट बंगाल है फिर भी एक बार इसे कन्फर्म कर लेना औरंग नेशनल पार्क ये आसाम के अंदर है ठीक है मानस नेशनल पार्क आसाम में तो इतने सारे ये नेशनल पार्क और ये तो आपको ध्यान रखना है स्टेट कहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट और यहाँ यहाँ पे इस इस हैबिटेट में कौन कौन से हैबिटेट में मिल रहा है राइनो ये ध्यान रखना है सो वी हैव दिस ग्रास लैंड पार्ट तो दुवार और ये पूरा असम बंगाल वाला ये पूरे आ जाएंगे तराई क्षेत्र एलुवियल तराई क्षेत्र ये यूपी वाला आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका मिल रहा है थ्रू आउट द एंटायर इंडो गेंजेटिक प्लेन पहले थ्रू आउट एंटायर इंडो गेंजेटिक होते थे लेकिन अब क्या हुआ इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ सेटलमेंट की वजह से एग्रीकल्चर की वजह से डिफोरेस्टेशन की वजह से इनकी पोचिंग वगैरह हो रही है तो अभी ये क्या हो गया बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं इसके अलावा नेपाल और इन uh, रीजन में भी आपके मिलेंगे ठीक है और लेटेस्ट एस्टिमेट अगर आप देखोगे नंबर का इन्होंने क्या किया लेटेस्ट सेंसस यहाँ पे किया है फोर्टीन आसाम राइनो एस्टिमेशन अच्छा केवल आसाम का है ये ठीक है ये सब चीजें आप ध्यान रखिए इन्हीं को नोट करना है इसमें स्टेट ध्यान रखिए कौन सा कहाँ पे है अब हम और इसी में आगे चलते हैं क्या पूछ सकता है अच्छा राइनोज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं क्या अमेरिका में भी राइनो मिल रहा है तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है अमेरिका में राइनो कहाँ पे मिल रहा है एशिया के अंदर आपको मिल रहा है ये आपका मैप जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ठीक है ना तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट मैप है हम इसको केवल किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं केवल और केवल आपको बताने के लिए कि कौन कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है तो आप देखोगे अफ्रीका इज ऑल्सो देयर ठीक है ना अफ्रीका है और इंडिया के अंदर मिल रहा है और इंडिया के अलावा आप देखेंगे सुमात्रा जावा इस रीजन में तो एशिया और अफ्रीका के अंदर आपको मिल रहे हैं अब सुमात्रन राइनो का आपको ध्यान रखना है सुमात्रन राइनो ये जैसा आप देख पा रहे हो ये सबसे छोटा जितनी भी राइनोज है उसमें सबसे छोटी स्पीसीज है और इसमें टू हॉर्न है एक तो ये दिख रहा है ये वाला छोटा सा बहुत और ये दूसरा है तो ये क्या होती है टू हॉर्न आपकी स्पीशीज है यहाँ पे सुमात्रन राइनो मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है मतलब मलेशिया के अंदर ये विलुप्त हो चुका है पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है मतलब अर्थ पे विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन मलेशिया से विलुप्त हो चुका है जैसे चीता है चीता अफ्रीका में मिलता है इंडिया से क्या हो गया एक्सटिंक्ट हो गया उस तरह से तो 2019 में ये मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका था तब भी न्यूज में रहा था उस टाइम पे भी हमने कवर किया था इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज सबसे छोटी होती है और सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है है ना तो आई की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपकी है इट इज द ओनली एशियन राइनो विथ टू हॉर्न्स केवल यही एक एशियन राइनो है जिसके दो हॉर्न होते हैं इसके अलावा आप देखोगे जावन राइनोज हैं तो ये जावन राइनो भी वन हॉर्न ही होगा बाकी दो हॉर्न जनरली आपको अफ्रीका वाले में मिल रहे हैं सो दिस इज द थिंग पहले हर जगह मिल रहा था लेकिन अब बहुत लिमिटेड हो गया क्योंकि क्रिटिकली अंडेंजर भी है नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है दिस इज अगेन हाउ चीताज वेंट एक्सटिंक्ट इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इनके री इंट्रोडक्शन को लेकर चर्चा है अब ये इतनी बार न्यूज में आ गया ठीक है कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लास्ट चीता देखा गया था 1947 में उसके बाद से चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मतलब हमारे इंडिया में चीता मिलता ही नहीं है पहले मिला करता था चीता जनरली आपने देखा होगा नेट जियो और इन सब के ऊपर ठीक है अफ्रीका में तो मिल ही रहा है तो चीता को वापस से रीइंट्रोडक्शन करने का प्रोजेक्ट चल रहा है कि वापस हम अफ्रीका से यहां पे लाएं इंडिया में री उनको करें उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए ठीक है क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह का एक जो ग्रासलैंड है ना सवाना लाइक -like जो है वो इंडिया के अंदर आपको मिल जाते हैं जंगल स्पेशली पार्ट पार्ट है ना सम ऑफ द मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न राजस्थान लाइक एंड ऑल तो uh, क्या ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था 2020 में कि यहाँ चीता को ला सकते हो और इंडिया का जो चीता है uh, या ओवरऑल जो हम इंडिया में तो रहा ही नहीं चीता चीता जो है ये वलनरेबल है आई की रेड लिस्ट में ये ध्यान रखिए इसको कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रि करने की चर्चा चल रही है ये कूनो पालपुर अगेन ईस्टर्न जो राजस्थान और वेस्टर्न एम है उसकी बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा कूनो पालपुर तो ये क्या कर रहे हैं ग्रासलैंड टाइप जहाँ पे थोड़ा दौड़ने के लिए जगह मिल जाए है ना और इतना डेंस वेजिटेशन नहीं होना चाहिए है ना वहां पे इनको रखा जाएगा अब क्या कह रहा है चीता इज द ओनली फ्लैगशिप स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया यही केवल एक ऐसी फ्लैगशिप स्पीशीज है जो इंडिया में विलुप्त हुई है फ्लैगशिप स्पीशीज का क्या मतलब होता है ये आपको पूछा जाएगा फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब है कि आ, आ, जनरली हम क्या करते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए है ना जैसे हमने टाइगर को बना रखा है टाइगर को हर जगह दिखाते हैं कि हाँ आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है तो लोग उसको टाइगर से रिलेट करते हैं क्लियर तो एक तरह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए आप किसी एक स्पीशीज का सहारा ले रहे हो तो उसको हम यहाँ पे फ्लैगशिप स्पीशीज़ कह रहे हैं और फ्लैगशिप स्पीशीज़ एनवायरमेंटल कॉज के लिए यहाँ पे यूज की जा रही हैं तो हर जगह पे अलग अलग होगी जैसे चाइना के कॉन्टेक्ट में आप रेड पेंडा को रेड uh, पेंडा नहीं जो जायंट पेंडा आता है जो प्रॉपर पेंडा है जो पेंडा वाली मूवी है एक एनिमेशन वाली उसमें जो पेंडा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं क्लियर uh, एशियाटिक लायन है बंगाल टाइगर ये सब फ्लैगशिप स्पीशीज़ है मतलब जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं और एनवायरमेंटल कॉज के लिए उनको अवेयर किया जा सकता है क्लियर की स्टोन स्पीशीज़ क्या होती है अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज मतलब उस स्पीशीज वो पर्टिकुलर स्पीशीज उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए है ना उसके अंदर वहाँ पे जो बैलेंस है उसको क्रिएट करने के लिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है जैसे आप देखोगे जनरली जो टॉप लेवल पे हैं प्रीडेटर्स जैसे टाइगर की हम चर्चा कर लें लायन की चर्चा कर लें ये जैसे एलिफेंट है ये की स्पीशीज़ में आ रहे हैं जिनका प्रजेंस और रोल इको में बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू देयर नंबर हालाँकि उनका नंबर कम है नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर आप देखोगे उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एनिमल अगर आप देखेंगे तो वो कम है लेकिन उनका इंपॉर्टेंस उस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा है जैसे अगर आप देखेंगे कार्निवोर हटा देते हैं कहीं से भी कार्निवोर हटा दोगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा जो पॉपुलेशन है हरबी वॉर की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हरबी वोर की घास खाने वाले जानवरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट होगा इतना फॉर्डर है नहीं ठीक है फिर वहां पे अलग तरह की इश्यूज होंगी इसलिए की स्टोन स्पीशीज होती हैं जो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं ठीक है ना एंड ऑफन डिक्रीजेज ओवरऑल डाइवर्सिटी चलिए लेपर्ड को भी ध्यान रख लेना चीता है तो लेपर्ड इज ऑल्सो देयर इंडिया में लेपर्ड तो मिल ही रहा है और एक अम्ब्रेला रोल या अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती है ये भी ध्यान रखना अभी एक सेंसस हुआ था जिसमें इंडिया में लेपर्ड की पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई थी और 2014 में पॉपुलेशन थी लगभग 8000 और फिर ये इंक्रीज होकर लगभग 13000 के आसपास पहुंची है तो इंक्रीज uh, हुआ है काफ़ी ज़्यादा मोर देन 60 परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन तो इसके अंदर एक मेजर रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे एरियाज को पहले इंक्लूड नहीं किया गया था ठीक है काउंटिंग के लिए तो एक वो भी फैक्टर है इसमें यह ध्यान रखना बट ओवरऑल दिस इज अ गुड थिंग कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इंक्रीज होने का रीज़न उस टाइम पे जो बताया जा रहा था एक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सेंस आया था वहां ये अम्ब्रेला रोल लिखा गया था तो यहाँ से अम्ब्रेला स्पीशीज या अम्ब्रेला रोल क्या मतलब होता है वो करके आपको पूछ सकता है इसका क्या मतलब होगा अम्ब्रेला रोल का मतलब होता है कि आ, ऐसी स्पीशीज जैसे टाइगर है है ना उसको बड़ा एरिया चाहिए तो अगर आपने टाइगर आ, को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ चला रखा है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है सो इट मीन्स आपको पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना है अब टाइगर की जो टेरिटरी है उसके अंदर काफी सारे लेपर्ड्स भी आ जाते हैं तो अगर वो टेरिटरी का प्रोटेक्शन हो रहा है तो ऑलरेडी जो दूसरी स्पीशीज उस टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल गया दिस इज नॉन एज ए अम्ब्रेला रोल अम्ब्रेला इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एन्वायरमेंट ठीक है इंडियन लेपर्ड की चर्चा करें तो वल्नरेबल है आई की लिस्ट के अंदर ये हेडिंग uh, डाल दीजिए uh, दिस इज़ ऑल कहाँ पे है ठीक है अक्रॉस द इंडिया मिल ही रहा है तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं है ठीक है सो दिस इज़ ऑल वी आर रैपिंग अप दिस सेशन ऑल द वेरी बेस्ट पी आपको सेशन के यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ये आप टेलीग्राम पे डाल के सर्च कर लेंगे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जुड़े रहना है ताकि आपके जो फ्री सेशंस हैं क्लासेस हैं सब्सक्रिप्शन के लिंक है और भी इश्यूज़ हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टू शिफ्ट द टाइमिंग ऑफ द सेशन इन द इवनिंग है ना वी आर वर्किंग ऑन दैट सो सून वी विल शिफ्ट द टाइम ऑफ द सेशन इन द इवनिंग ठीक है तो एक बार आपको अवेयर कर देता हूँ उस हिसाब से भी आप तैयार रहिए दिस इज ऑल हियर एंड अनकेडमी से आप जुड़ सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है है ना या फिर इकनॉमिकली uh, अगर आप इतना स्ट्रांग नहीं है यू कैन नॉट अफोर्ड टू शिफ्ट इन द बिग सिटीज़ है ना यू डू नॉट हैव लैक्स ऑफ रुपीज़ सो ऑल दिस थिंग्स डजेंट मैटर द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ योर कमिटमेंट सो यू कैन डेफिनेटली गो एड इन योर सेल्फ स्टडी और इन वट एवर मैनर एन अकेडमी इज़ ऑल्सो देयर यू कैन बी द पार्ट ऑफ एन अकेडमी सक्सेस स्टोरी जहाँ पर हमने देखा कि वन सेवेंटी प्लस टॉपर्स ने यहाँ पे सलेक्शन लिए हैं सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके टेलीग्राम पे भी रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा उस पर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे यूज एनी प्लान ओके आप अपना कोई भी जो प्लान है एक साल दो साल वो चूज़ कीजिए देन पुट द कोड आर बी लाइव सो योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय द अवेलेबल डिस्काउंट जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है उससे आपका कम हो जाएगा सिमिलरली यू कैन गो वर्क विद आइकॉनिक आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट है केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की फीस है और नए बैचेस आपके 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं 15 जून से भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2023 और 24 वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के साथ ये भी फायदा होता है वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर इंक्लूडिंग बैच कोर्सेस सब कुछ फ्री हो जाता है डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से टीम है मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपका चल रहा है जिसमें आंसर राइटिंग है है ना एक महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है दो साल या उससे ऊपर का जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ यू आर नॉट सेफाइड विद ईयर फ्री एक्सटेंशन एक साल का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा ई का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है सो दिस इज ऑल डोंट दिसट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द बेस्ट गाइड है सुमनिज सिंह सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं सो दिस वॉज आर ऑब्जेक्टिव थैंक्स फॉर योर फीडबैक Manal sir is also available on an Academy. You can definitely go ahead.